Hi student, welcome to RCI Edu Hub online classes, class 12th agriculture, subject biology, chapter number 6. खरीफ की फसल जो होती है उसमें लगने वाले रोग ये हम इसमें पढ़ेंगे. जितने भी खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ के समय बोई जाने वाली जितनी भी फसल हैं उसमें लगने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है. तो छठा जो चैप्टर है खरीफ की फसलों के रोग, डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स. इसमें पहला जो रोग है वो होता है बाजरे का मृदुरोमिल आसिता. बाजरे का मृदुरोमिल आसिता या हरित बाली रोग. बाजरे का मृदुरोमिल आसिता या फिर हरित बाली जो रोग होता है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है. इसका जो स्थानीय जो नाम है वो होता है जोगिया रोग. पूछा जा सकता है बाजरे का मृदुरोमिल आसिता जो रोग है इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आ जाएगा जोगिया रोग. भारत में इस रोग की खोज जो है वो ईजे बटलर ने 1907 में खोजा. भारत के अंदर बाजरे का मृदुरोमिल आसिता जो रोग है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया या फिर इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की, तो ई जे बटलर 1907. अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण जो होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले मृदुरोमिल आसिता अवस्था, जो अवस्था होती है लक्षणों की वो दो अवस्थाओं में होता है. पहला होता है मृदुरोमिल आसिता अवस्था, दूसरा जो होता है वो होता है इसमें हरित बाली अवस्था. यानी कि पौधे के ऊपर कौन सी अवस्था में कौन से भाग के ऊपर इसके लक्षण दिखाई देते हैं उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है. सबसे पहले मृदुरोमिल आसिता जो अवस्था है इसके लक्षण जो होते हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं. लीफ जो होती है, पत्तियाँ जो होती हैं उसके ऊपर इसके लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं. इसका संक्रमण जो होता है रोग का वो सर्वांगी प्रकार का होता है. यानी कि पौधे के जो सभी भाग हैं उन सभी भागों के ऊपर इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं. पत्तियों पर दिखाई देने के बाद पूरे पौधे के ऊपर इसके लक्षण जो है वो फैल जाते हैं. पत्तियों के ऊपर जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं तो पत्तियां हमें पीली दिखाई देने लगती है. उनका रंग जो होता है वो हरे से कैसा दिखाई देने लग जाता है, पीला दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से पौधा जो है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है. यानी कि पौधे में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, पत्तियों में. पत्तियां पीली हो चुकी इसका मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस क्रिया कम होगी. कम होने से पौधे को एनर्जी या भोजन कम मिलेगा, इसलिए उसकी वृद्धि नहीं होगी और वो कैसा रह जाएगा, पौधा बौना हो जाता है, विकास नहीं हो पाता. ये जो पत्तियाँ हैं ये पीली होकर इसके अंदर धारियाँ बन जाती हैं, धारी दिखाई देती है हमें पीले रंग की. पत्तियों की निचली सतह जो होती है उसके ऊपर निचली सतह पर धूसर रंग की, धूसर जो रंग है ग्रे रंग जो होता है उसके ऊपर फफूंद जो आती है, कवक जो होती है, फफूंद जो होती है उसकी मृदुरोमिल अतिवृद्धि दिखाई देने लग जाती है. यानी कि फफूंद जो है वो उसके ऊपर दिखाई देने लग जाती है, जिससे पत्तियाँ जो हैं वो ऐंठी हुई यानी कि मुड़ जाती है, ऐठन आ जाती है उनमें और झुर्रीदार हो जाती है. ये लक्षण जो है वो हमें दिखाई देंगे मृदुरोमिल आसिता अवस्था में. रिपीट कर सकते हैं, पत्तियों पर दिखाई देता है जिसके बाद संक्रमण जो है वो पूरे पौधे पर फैल जाता है. पत्तियों पर हम जो है उनका रंग पीला हो जाता है, धारियाँ बन जाती हैं, निचली सतह पर फफूंद जैसी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है जिससे पत्तियाँ हैं वो सिकुड़कर ऐठी हुई झुर्रीदार हो जाती है. हम कह सकते हैं ये लक्षण अगर हमें दिखाई दें तो कौन से अवस्था होगी, वो मृदुरोमिल आसिता अवस्था. पूछा जा सकता है बाजरे का मृदुरोमिल आसिता जो रोग है उसकी मृदुरोमिल आसिता अवस्था का वर्णन करें. दूसरा हरित बाली अवस्था. हरित बाली जो अवस्था है वो हमें दिखाई देती है पुष्पक्रम पर. जब पुष्पक्रम यानी कि पुष्प का जब निर्माण होता है, पुष्प दिखाई देने लगता है तो पुष्प के जितने भी भाग हैं उन भागों के ऊपर हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं.
उस वक्त क्या होता है, पुष्पक्रम जो होता है उसके बाद में बालियों का निर्माण नहीं होता, बाजरे में बालियों का जो निर्माण होता है वो नहीं होता है, अगर या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि बालियां इसमें नहीं बनती, और अगर बनती भी हैं तो बहुत ही सूक्ष्म और पत्तियों जैसी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। बालियों के स्थान पर किसका निर्माण हो जाता है, पत्तियों जैसी संरचनाओं का, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसी वजह से बाली के स्थान पर पत्तियों जैसी संरचनाओं का निर्माण होने की वजह से इसे हरित बाली रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम ऊपर लिख रखे हैं इसमें मृदु रोमिलासिता, या फिर इसे क्या कहते हैं, हरित बाली रोग। क्यों कहते हैं हरित बाली रोग, क्योंकि इसमें पुष्पक्रम पर जब इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो बालियों का निर्माण ना होकर उसके स्थान पर हर बाली जो है उसके स्थान पर पत्तियों जैसी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। ये हो गए इसके लक्षण, जिसको दो भागों में बांटा गया है, रोगजनक स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक है जिसकी वजह से ये रोग फैलता है। ये कवक जो होता है ये अविकल्पी परजीवी है। परजीवी का मतलब क्या होता है, ये दूसरे जीवों के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना जीवन यापन करता है, लेकिन अविकल्पी प्रकार का है। अविकल्पी का मतलब ये होता है कोई भी जीव दूसरे जीवों के ऊपर रहकर जीवन यापन करता है, लेकिन दो प्रकार से, एक विकल्पी और एक अविकल्पी। विकल्पी का मतलब ये होता है कि यदि जैसे इसी की बात कर लें तो मृदु रोमिलासिता जो रोग है, हरित बाली जो रोग है, ये किसके ऊपर होता है, बाजरे पर। यदि बाजरे को नष्ट कर दिया जाए तो क्या ये कवक जीवित रह सकता है, अगर ये विकल्पी होता तो ये इस फसल को छोड़कर किसी दूसरे पौधे पर जीवित रह सकता था, तो इसको कहेंगे हम विकल्पी। और अविकल्पी का मतलब कि यह कोई भी जीव जो है वो जिस पौधे से भोजन प्राप्त करता है वो केवल उसी पौधे से प्राप्त करेगा, उसके अलावा किसी भी पौधे से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता, वो होता है अविकल्पी। यानी कि बाजरे के अलावा यह कवक किसी अन्य पौधे से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। बीज व मृदा जनित होता है, बीजोड़ और मृदोड़ प्रकार का होता है, यानी कि यह बीज के अंदर जीवित अवस्था में रह सकता है और किसमें, मृदा में, दो जगह पर हो सकता है। पूछा भी जा सकता है किस जीवित अवस्था में कहाँ पाया जा सकता है, बीज में यानी कि बीजोड़ प्रकार का, मृदा में मृदोड़ प्रकार का। और इसकी लैंगिक जो बीजाणु होता है, लैंगिक जो अवस्था होती है, लैंगिक अवस्था जो होती है वो किसके रूप में जीवित रहती है, निशिक तांड के रूप में जीवित रहती है। इम्पोर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट कि हरित बाली रोग का रोगकारक जो होता है उसकी लैंगिक जो अवस्था है किसके रूप में जीवित रहती है, निशिक तांड के रूप में। प्रबंधन, सबसे पहले कल्चरल मैनेजमेंट, सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे फसल बोते हैं तो बीज की आवश्यकता होती है, बीज हम स्वस्थ लें, जहाँ से भी खरीदें वो स्वस्थ होने चाहिए और प्रमाणित होने चाहिए, नौकर नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गर्मी के दिनों के अंदर, गर्मी के दिनों में खेत जो होते हैं उनकी गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि इस ये कवक जो होता है ये किस में जीवित बना रहता है, मृदा में, और अगर मृदा गहरी जुताई कर दी जाए तो ये बाहर आ जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं जब टेम्परेचर या फिर वहाँ का अनुकूलन जो है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं होता, इस वजह से ये नष्ट हो जाते हैं। तो गर्मियों के दिनों में क्या कर सकते हैं हम, गहरी जुताई। बाजरे की खेती जब होती है, फसल जब कट जाती है, तो इसके अवशेष जो होते हैं वो खेत में पड़े रह जाते हैं, उनमें भी ये जीवित अवस्था में रह सकते हैं, इस वजह से अवशेष जितने भी बचे हुए हैं उनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए, जलाकर उनको नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक, रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं दो प्रकार से। सबसे पहले बीज जो आता है, जो हम लेकर आते हैं, उसका उपचार करके हम उसकी बुआई करते हैं, उसे कहते हैं बीजोपचार। दूसरा, बीज को बोने के बाद में जब फसल उगती है, फसल के ऊपर हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मेटालेक्जियल, मेटालेक्जियल जो होती है 6 ग्राम प्रति केजी, यानी कि अगर 1 किलो बीज हमारे पास में है, 1 केजी बीज हमारे पास है, तो उसके ऊपर 6 ग्राम मेटालेक्जियल डालकर उसको उपचारित कर सकते हैं, उसमें मिलाकर इसकी बुआई कर सकते हैं। मेटालेक्जियल नहीं उपयोग में लेंगे, इसके अलावा हम ले सकते हैं मैनकोजेब,
2.5 ग्राम प्रति केजी बीज के अंदर हम इसको मिलाकर बीजोपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुआई के 21 दिन बाद जब हम बाजरा बो देते हैं, बीज बो दिया जाता है, 21 दिन बाद जितना इसका पौधा बनता है उसके ऊपर 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मेटालेक्जियल, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मैनकोजेब, दोनों को मिलाकर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव हम पौधे के ऊपर कर सकते हैं।